तो बच्चों आज हम लोग एक नया वर्ण पढ़ेंगे जिसका नाम है टा। क्या पढ़ेंगे? टा। सारे बच्चों को दिख रहा है? अच्छा, तो देखिए सबसे पहले किस चीज की पिक्चर बनी हुई है? ये क्या बना हुआ है? तरबूज। क्या बना है? तरबूज। ता से तो तरबूज किस वर्ण से शुरू हो रहा है? सबसे पहले किसकी आवाज आ रही है? किसकी आवाज आ रही है? ता। ता से तरबूज। ये क्या बना हुआ है? क्या बना है? क्या बना है? ताला। ता से ताला। ताला भी आपको दिख रहा है? कौन से वर्ण से शुरू हो रहा है? ता से शुरू हो रहा है। फिर ये देखिए क्या बनी है, छोटी सी तकिया बनी है। सारे बच्चे तकिया लगाते हैं? अच्छा, तो तकिया कौन से वर्ण से शुरू हो रही है? कौन से वर्ण से शुरू हो रही है? ता से तकिया। फिर बच्चों ये क्या बना हुआ है? तबला। क्या बना है? तबला। किसी ने तबला देखा है? तबले को क्या करते हैं? ढोलक नहीं, लेकिन ढोलक जैसा होता है उसको बजाते हैं? बजाते हैं ना। तो तबला भी कौन से वर्ण से शुरू हो रहा है? ता से शुरू हो रहा है। कौन से वर्ण से शुरू हो रहा है? तो बच्चों ये क्या बना हुआ है? क्या बना है? तर्जुआ। नहीं बोलते हैं, तराजू। तराजू। तराजू से क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या तोलते हैं? सब्जी तोलते हैं। और क्या तोलते हैं? लक्ष्मी, आलू तोलते हैं। हाँ, तो तराजू से हम तोल सकते हैं सब्जी, फल या कुछ भी और। तो तराजू कौन से वर्ण से शुरू हो रहा है? ता से शुरू हो रहा है। अच्छा, तो जो दूसरा वर्ण हम लोग आज पढ़ेंगे वो है सा। ये क्या है? सा। तो देखिए सबसे पहले किस चीज की पिक्चर बनी हुई है? सांप। सा से सांप। सा से सांप। उसके बाद देखो क्या बना है? सूरज। सा से सूरज। सा से सूरज। क्या बना है? सा से सूरज। फिर उसके बाद ये किस चीज का फूल बना है? किसका फूल है? वेरी गुड, सूरजमुखी का फूल है। सूरजमुखी का फूल किस रंग का होता है? पीला होता है। तुम्हारे क्लास में कहीं सूरजमुखी बना है? तुम्हारे क्लास में कहीं सूरजमुखी बना है? कहाँ बना है? ये है सूरजमुखी का फूल। तो किस वर्ण से शुरू हो रहा है? किस वर्ण से शुरू हो रहा है? सा से। फिर ये देखिए क्या बनी हुई है? नहीं, सा से सुराही। सा से सासे सासे सुराही। सासे सुराही बनी। सुराही देखी है किसी ने? उसमें क्या रखते हैं? नहीं, सुराही में क्या रखेंगे? पानी रखेंगे। जैसे तुम्हारा मटका होता है, तो सुराही में जो उसकी गर्दन होती है वो बहुत लंबी सी पतली सी होती है। देखिए इसमें आपको दिख रहा है मटके की गर्दन कहीं इतनी लंबी होती है? मटके की गर्दन लंबी होती है? नहीं होती है। सुराही में क्या होता है? उसकी गर्दन लंबी होती है। अच्छा, तो ये देखिए बोर्ड पे ये क्या बना हुआ है? ता। और ये क्या बना हुआ है? सा। तो अनामिका यहाँ आओ बेटा, और शहजाद आ जाओ। ये लीजिए चौक, ले लीजिए।
हाँ, आप यहाँ पे ता बनाइए, ता। वेरी गुड। अब शहजाद सा बनाएगा, कोशिश करो बनाने की देख देख के। पहले इधर से शुरू करते हैं, पहले ये बनाते हैं। चलो मैं बताती हूँ, इधर आओ। पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे गोल चूल्हा बनाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे लाइन ले जाएंगे, फिर इसके बीच से एक छोटी सी लाइन बनाएंगे और फिर एक डंडा लगा देंगे। तो ये क्या बन गया? सा। ये क्या बना? सा। तो आज हम सारे बच्चे ये दोनों वर्ण अपनी कॉपी में भी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके।